हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। खबर ये है कि बीपीएससी में सबसे बड़ी नियुक्ति होने जा रही है और वो नियुक्ति की संख्या है 45,852 पदों की। तो ये नियुक्ति जो है किस कैटेगरी वाले को होने है, यानी कि कैसे योग्यता धारण करने वाले के लिए है। तो ये जनरली जो आपका 45,852 पदों पर जो नियुक्ति होने वाला है, ये शिक्षकों का होने वाला है। और इसमें भी प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल उच्च विद्यालयों में प्रधान शिक्षक या फिर कहे प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस ज़िले में कितने सीटों का आवंटन किया गया है। ये प्रोसेस आपका जो है कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा और ये एग्जाम को कंडक्ट बीपीएससी करने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, कुछ अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1029, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 1902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में आपको 1914 सीट देख रहे हैं, गया में 1697, गोपालगंज में 1055, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगड़िया में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1632, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पटना में 984, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 1754 और समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, शिवहर में 216, सीतामढ़ी में 1107, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112, पश्चिम चंपारण में 1639 पद। इस प्रकार से सीटों का आवंटन है। तो जो भी अभी इसकी योग्यता तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शिक्षक के लिए जो योग्यता होना चाहिए वही कैटेगरी के इसको भर पाएंगे। तो जो भी ऐसे योग्यता को धारण करते हैं, आप इस नोटिफिकेशन को और इस सूचना को अपने ध्यान में रखें और फॉर्म भरें, एग्जाम दें और शिक्षक बने, एक बेहतर शिक्षक बने और समाज की सेवा करें। धन्यवाद।